संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री सोमनाथ महाराज की मूर्ति व प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करके उनके समाधि स्थल शिवनाथ आश्रम कुशालगढ़ में किया गया। खटिक समाज के जीतू सवारिया ने बताया कि संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री सोमनाथ महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर भव्य शोभा यात्रा तिराहा व संपूर्ण कुशालगढ़ से होते हुए निकाली गयी। शोभा यात्रा का सभी समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। संत श्री सोमनाथ महाराज के समाधि स्थल पर उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह वृंदावन व बनारस से आए पंडितों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। 26 सितंबर को नंदेश्वर महाराज मंदिर में कलश यात्रा की निकाली जाएगी। एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सर्व समाज के लोग शामिल हुए थे। इस शोभा यात्रा का कार्यक्रम जो है संपूर्ण राया से होकर संपूर्ण कुशालगढ़ ग्राम में होकर इंदौर के पास से होकर गुजरा है, जिसका वहां के आम जन ने बहुत ज्यादा स्वागत किया है, सहयोग किया है और मूर्ति को उनकी समाधि के स्थल पर स्थापित कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वृंदावन और बनारस से पंडित जन बुलाए गए हैं और उनके क्रियाविधि जो है वो संचालित है। ये क्रियाविधि जो है 4 दिवसीय होंगी। 4 दिवस के अंतर्गत प्राण प्रतिष्ठा का नित्य प्रति कार्यक्रम चलता रहेगा। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन भी इस अवसर पर यहाँ पर किया जा रहा है। कल यानी कि 26 तारीख को सुबह 7 बजे से नलदेवसर जी महाराज, जो कि महादेव जी का यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, वहाँ से कलश यात्रा चलेगी और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बाहर से वृंदावन से और बनारस से जो पंडित जन आए हैं उनके सान्निध्य में आयोजित होगा और 3 तारीख को उसका समापन किया जाएगा। अभी यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का 7 दिन तक आयोजन किया जाएगा। ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने इस प्रकार के लोगों का मेला यहाँ पर आयोजित किया है, हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनको ऐसे उनके विचारों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।